उसके बाद फिर मैं खरगोश हुआ, मछलियाँ हुई, तो मेरे जो घर है भोपाल में उसमें फ़िश टैंक है काफ़ी बड़ा सारा, उसमें फिशेस वगैरह हैं और मैं उनका ध्यान रखता हूँ और मैं ख़ुद पूरा टैंक वैंक साफ़ करता हूँ, मुझे काफ़ी लगाव है। तो जब मैं यहाँ सेट पे आया शूट करने तो मैंने सबसे पहली चीज़ यहाँ देखी और मुझे इतना पॉजिटिव फील हुआ कि चलो इट्स लाइक आई एम होम। तो मैं इन लोगों से काफ़ी कनेक्ट करता हूँ और मेरी रोज़ की आदत है कि रोज़ शाम को जो हमारा इवनिंग स्नैक होता है उस टाइम इन लोग को, यहाँ के भी जितने भी जो केयर टेकर हैं वो उनको पता है कि मैं इनको खाना खिलाता हूँ, तो यूजुअली वो लोग खाना नहीं देते और मैं उनको खाना देता हूँ। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जिस दिन मैं शूट नहीं करता या बहुत ज़्यादा हमारा हैक्टिक शेड्यूल होता है तो हम लोग उसी में लगे रहते हैं तो मैं खाना नहीं दे पाता, तो वो बेचारे वो भी नहीं दे पाते और फिर वो बेचारे मेरे वजह से भूखी रह जाती हैं कि उनको लगता है मैं आऊँगा खाना देने, और इसी चक्कर में कभी कभी इन लोगों को भूखा भी रहना पड़ता है। लेकिन एक काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है मुझे इन लोगों को खाना खिलाने से, और जब उनको खाना खिलाता हूँ तो वो जो एक्टिविटीज़ करती हैं वो देखने में काफ़ी मज़ा आता है। एक तो एक रिलैक्स हो जाता हूँ मैं, जितनी भी एक एनर्जी एग्जॉस्ट होती है मेरी शूट के दौरान या कुछ, तो यहाँ पर आके मैं पूरा एकदम रिलैक्स करता हूँ। इसमें देखिए है तो पर्टिकुलर तीन तरह की फिशेस, जिसमें से मैं चार तरह की फिशेज, जिसमें से तीन का नाम जानता हूँ, चौथे का मैं भूल गया हूँ। एक तो ये मिल्की वाइट है, ये जो बिल्कुल वाइट है, और ये गोल्ड फिश है जो प्रॉपर ऑरेंज है, वो प्रॉपर गोल्ड फिश है। एक येलो गोल्ड फिश भी है इसमें, जो ये है छोटी वाली, एंड जो ये चितकबरी है इनका मैं नाम भूल गया हूँ। और ये देखिए मेरा हाथ देख के इनको लग रहा है कि मैं आगे उनको खाना देने, तो आई गेस इनको खाना खिला देना चाहिए। अब मुझे गोल्ड फिश पसंद है, नहीं ऐसा कोई रीज़न नहीं है मुझे। वैसे तो बहुत और भी मछलियाँ जो मेरे घर पे हैं, इंडियन शार्क है और बहुत जैसे कॉइन फिश आती है एक, वो है, तो बहुत मतलब मुझे वैरायटी में पसंद है अलग अलग, क्योंकि बचपन में जब छोटे होते थे तो फ़िश एक्वेरियम होता था या मछली घर जो होते थे हम लोग देखते थे, तो काफ़ी वो चीज़ अट्रैक्टिव होती थी। और ये लोग इन लोगों की दुनिया ही अलग होती है, पानी की दुनिया। या नाम अ वाटर साइन कैंसेरियन, सो मे बी आई गेस आई कनेक्ट विद देम बिकॉज ऑफ दैट मे बी एज वेल। सो आई फील वेरी पॉजिटिव व्हेन आई विद देम। ये येलो जो गोल्ड फिश है ये माया है, और ये जो मिल्की वाइट है बड़ी वाली वो मैं हूँ, क्योंकि सबसे गोरा मैं ही हूँ, ऑब्वियसली मैं मिल्की वाइट हुआ। ये तो काफ़ी मतलब काफ़ी इंटरटेनिंग है आपके लिए भी और इनके लिए भी, क्योंकि इनको भी फाइनली किसी ना किसी का साथ मिलता है शाम के टाइम पे। हाँ, मुझे जब भी टाइम मिलता है तो मैं आ जाता हूँ उनके पास बैठने, क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। बिकॉज यूजुअली आप लोग देखेंगे कि लोग डॉग को पेट करते हैं, ऐसा कुछ होता है, तो उसमें काफ़ी उनको प्लेजर मिलता है, सुकून मिलता है, तो मुझे इन लोगों को फीड करने में सुकून मिलता है। यहाँ ऐसे पानी के साइड में नॉर्मल वाटर काइंड अट्रैक्ट्स मी, तो और ऊपर से यहाँ पे मछलियाँ हैं तो मुझे तो इन्वॉल्वमेंट आता है, रोमांस थोड़ी ना जागता है इन लोग को देख के तो मैं गाना गाऊँ। लेकिन फिर भी इनकी सिचुएशन में क्या गाना गा सकते हैं, आप ही बताइए मुझे क्या गाना गा सकते हैं, तो गा देंगे। तो सबको क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये मेन चीज़ होती है कि मैं अपने फैंस को क्या कहना चाहता हूँ। मैं सीरियसली उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने दिल से कि उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है, और ये हमेशा मेरी फ़र्स्ट लाइन होती है, क्योंकि मैं उनके प्यार का कंपैरिजन कर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि आई कम फ्रॉम अ वेरी नॉर्मल बैकग्राउंड जिसका एकदम कोई इस लाइन से कनेक्शन नहीं था, और मेरे फैमिली ने काफ़ी सपोर्ट किया और मेरे प्रोड्यूसर्स जो हैं रहे सब ने सपोर्ट किया, और उसके बाद जो सबसे बड़ा सपोर्ट मिला है मुझे जिसकी वजह से मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे लाइफ में इस इंडस्ट्री में, वो है मेरे प्यारे से फैंस। एंड आई रियली लव यू अलॉट, एंड मैं बता नहीं सकता हूँ, एंड इफ़ आई गेट टाइम तो मैं सबसे एक एक करके इंडिविजुअली इंटरेक्ट करना चाहता हूँ या मिलना चाहता हूँ या बात करना चाहता हूँ, जस्ट टू थैंक देम, क्योंकि आज मैं जहाँ पे भी हूँ सिर्फ उनके वजह से हूँ। सो आई जस्ट वॉन्ट देम टू कीप ऑन लविंग मी एंड कीप ऑन ब्लेसिंग मी, प्लीज़ आई नीड योर ब्लेसिंग्स इन लाइफ, ताकि मैं और भी अच्छा कर सकूँ और आपको और इंटरटेन कर सकूँ। थैंक यू सो मच।